तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि मेरे पास जो गुड़हल प्लांट है इसको मैं कलर ऐड की थी, और इसमें कलर बिल्कुल आराम से देखिए आ गया है। और इसमें मैं चार कलर ऐड की थी दोस्तों, लेकिन इसमें कभी तीन खिलता है तो कभी दो खिलता है तो कभी आपको अभी पूरी तरह से सब नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि ग्राफ्टेड प्लांट सक्सेस होता है या नहीं होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है जो मैं खुद की थी और आप लोग के साथ शेयर भी की थी। तो देखिए कि यहाँ इसमें कितना सुंदर सुंदर फूल आ गया है, और इसमें देखिए कि यहाँ भी इसमें एक पीला वाला है जो अभी आ रहा है, और देखिए इसमें कली कितना सारा लाल में है। और इधर जो है, जो मैं कई बार वीडियो बना चुकी हूँ, इस सात पिस्टल वाला इसमें गुड़हल प्लांट है पिंक कलर का। तो दोस्तों सर्दी के मौसम में कैसे इनको ख्याल रखा जा सकता है, इसके बारे में मैं कुछ बात करूँगी कि इसको सर्दी के मौसम में आप किस तरह से आराम से इसको फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पॉट है जो ये 16 इंच का है, तो 16 इंच का पॉट है दोस्तों, तो इसमें मैं बराबर गुड़ाई करते ही रहती हूँ, और इसको हर एक 15 दिन महीना दिन पर इसमें मैं खाद ऐड करते रहती हूँ। तो दोस्तों अगर ज़्यादा आपको सर्दी पड़ रही है तो भी, चाहे गर्मी पड़ रही है तो भी, हमेशा ये फूल देते ही रहती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में थोड़ा सा इसको ध्यान रख दीजिए दोस्तों, तो आपका बहुत अच्छा तरह से फ्लावरिंग ये देते ही रहेगा और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो जैसे कि देखिए कि मैं यहाँ गुड़ाई की, गुड़ाई करने से मिट्टी को एयर ज़्यादा जाता है और मिट्टी बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी रहती है, और एयर लेने से विकास भी ज़्यादा होता है दोस्तों। तो देखिए इतना प्यारा सा, कितना सुंदर सा फूल इसमें आया हुआ है। तो अगर एक ही पेड़ में हमें चार कलर मिल जाए दोस्तों, तो चार पेड़ लेने की क्या आवश्यकता हो सकती है। तो ऐसे मैं गुड़हल और गुलाब एक में भी मैं ऐड बहुत सा प्लांट ऐसे बनाई हूँ, जब वो खिलने लगेगा तो मैं आपके लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, गुड़ाई करने के बाद दोस्तों इसको बिल्कुल धूप में रखा कीजिए और ज़्यादा इस पर पानी मत डाला कीजिए, जैसे इसका लेयर पूरी तरह से सूख जाए तभी इसमें पानी ऐड कीजिए। तो इसको भोजन दीजिएगा तो ये क्यों नहीं फूल देगा दोस्तों, भोजन मिलेगा तो स्वस्थ रहेगा, एयर मिलेगा तो भी ये स्वस्थ रहेगा। तो आप इसको इसी तरह से रखिए, और ज़्यादा इसको जैसे देखिए कि हाँ इसमें सिकुड़न आ गया है, इस पत्ती को आप हटा दिया कीजिए। जैसे ही हटाइएगा तो इसमें नया ब्रांच फिर आएगा, नया ब्रांच आएगा दोस्तों, तो देखिए कि इस तरह से नया नया इसमें ब्रांच आ रहा है। और मैं यहाँ कट कर दी थी तो देखिए इसमें 2-3 ब्रांच आया हुआ है। तो इसको सिकुड़न को आप हटाना पड़ता है दोस्तों, जब देखिए कि इसमें पत्ती ख़राब हो जाए तो इसको इस तरह से आप हटाया कीजिए, हटा दीजिएगा तो इसको और ज़्यादा विकास मिलेगा, इसको बढ़ने का फलने का चांस मिलेगा। तो इस तरह से किया कीजिए, क्योंकि ज़्यादा घनत्व भी अच्छा चीज़ नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ कितना सारा कली है, तो इतना कली लेने के लिए और फूल लेने के लिए सर्दी में कुछ इसमें खाद डालिए दोस्तों, और खाद के साथ साथ इसमें थोड़ा सा केयर करिए कि इसका विकास कैसा है। विकास जैसा रहेगा वैसा ही इसमें ज़्यादा फूल आएगा, नहीं तो ये फूल नहीं देगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा जो फूल एथी है हाथ में है, ये इसमें पोटास है, तो पोटास को आप थोड़ा सा इसमें ऐड कीजिए मिट्टी में। जैसे मैं तो लिक्विड हमेशा बना कर देती हूँ, लेकिन आज मिट्टी मेरा गीला है दोस्तों, मैं पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी रहने से अच्छा नहीं होता है। तो देखिए एक पॉट के लिए इतना पोटास आप ले सकते हैं, तो बिल्कुल इस तरह से लीजिए दोस्तों और इसमें ऐड किया कीजिए। तो ऐड देखिए इस तरह से आप छितार दीजिए, इसमें पूरा मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। मिट्टी में मिक्स करने से क्या होता है दोस्तों कि इसको फिर धीरे धीरे आप इसको गीला पानी जब भी दीजिएगा तो धीरे धीरे अबजोर करेगा। और इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो इसमें थोड़ा सा आप ओनियन पील होता है उसको बनाकर डाल दीजिए। तो जैसे कि आप घर का ही ऑर्गेनिक खाद डालिएगा दोस्तों तो बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए जैसे कि मेरा हर एक पौधा अभी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ लिए हुए है, अब फूल ही फूल देते ही रहता है,
सभी पौधा मेरा स्वस्थ रहता है दोस्तों, क्योंकि मैं बाहर की खाद नहीं डालती हूँ। कभी काल ये सब डाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं घर का ही ऑर्गेनिक बनाकर डालती हूँ, जो आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप प्लांट में डालिए, और डालने के बाद आप फ्लावरिंग इसको ले सकते हैं। तो 10 दिन में एक चम्मच डालिए, और 15 दिन बाद फिर इसमें ओनियन पील डाल दीजिए, तो आपका फूल तो इतना आएगा दोस्तों कि आप संभाल नहीं पाइएगा, बहुत अच्छी तरह से फूल ही फूल नज़र आएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना बगीचा को सुंदर बनाते रहिए, और ऐसे ही फूल आप पाते रहिए। क्योंकि थोड़ा सा केयर आप इसमें कर दीजिएगा तो आप बहुत ज़्यादा इसमें फूल आएगा। और हाँ दोस्तों, इसको मिट्टी बिल्कुल एसिडिक बना कर रखिएगा, उसको मैं वीडियो बना चुकी हूँ। गुड़हल प्लांट को एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो इस तरह से एसिडिक बनाइए। और ज़्यादा बड़ा फ्लावर चाहिए तो उसको भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा फ्लावर आपको चाहिए तो आप कैसे उसको फ्लावर ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो खाद ऐड कर दी, अगर आप फॉलो करिएगा तो आपका भी प्लांट इसी तरह से फूल देगा। और आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि किसी का भी पौधा का विकास नहीं हो रहा है तो उसका विकास और ग्रोथ बढ़ जाए दोस्तों। तो आप इसी तरह से कीजिए, और शेयर ज़्यादा कीजिए दोस्तों।